गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ ब्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कहां पर भाई, ये जगह का नाम है चक्राता और यहां के रोड भी खतरनाक से हैं। मतलब काफी जबरदस्त माउंटेन्स है, यहां पे ब्यूटीफुल है, काफी ब्यूटीफुल है। और मेरे पीछे की जो वैली है उसका लुक जो है काफी अमेजिंग आ रहा है। अभी मैंने गाड़ी रोकी थी यहाँ पर, ये देखो कितना शानदार एक अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा है। और आज हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे चक्राता को, देखेंगे क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स है, क्या कुछ है घूमने के लिए और कितना कुछ अमेजिंग चीजें यहाँ पर मिलने वाली है और कितना मजा आने वाला है। तो एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर करो चक्राता। चक्राता में ना सबसे पहला डेस्टिनेशन हम लोगों ने चूज किया है टाइगर फॉल्स। और टाइगर फॉल्स का जो रास्ता है भाई, इतना अमेजिंग रास्ता है, मतलब काफी ज्यादा जबरदस्त व्यूज है यहाँ पर। जो वैली का व्यू आ रहा है साइड में चलते हुए, ड्राइव करने का मजा जो है वो तीन गुना हो गया, दो गुना नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मजा सच में आ रहा है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस पड़ जाता है 17 से 18 किलोमीटर मेन चक्राता का, जो छोटा सा एक सदर बाजार है वहां से। तो मेन जो है चक्राता के अंदर मॉल रोड तो नहीं है, सदर बाजार ही है, और वहां से 18 किलोमीटर आप ड्राइव करके जाओगे एक अमेजिंग व्यू के साथ और पहुंच जाओगे टाइगर वाटरफॉल्स। अभी तक का सारा रास्ता एकदम स्मूथ, मतलब छोटा तो था लेकिन अच्छा था। लेकिन ये जो पैच आया है ना, लगभग 1.5 किलोमीटर का पैच, ये बहुत बुरा है। इसमें पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है। मेरे पास टाटा टिगोर है जो कि कॉम्पैक्ट सेडान है और वो लेकर मैं आराम से जा रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो। टाइगर फॉल्स की एंट्री के लिए 30 रुपीज की स्लिप कटी है पर पर्सन, और यहाँ लगा दी हमने गाड़ी जिसके लिए 50 रुपीज पार्किंग चार्जेस देने होंगे हमें। और ये पार्किंग काफी ज्यादा बड़ी बड़ी सी है, माउंटेन व्यू के साथ पार्किंग है। अब यहाँ से 100 मीटर हमें जाना है टाइगर फॉल्स के लिए। तो भाई ये रास्ता बनाया हुआ है और इस रास्ते के थ्रू हम पैदल जा रहे हैं, और पानी की आवाज भी आना चालू हो गई है बहुत शानदार सी। और उधर एक छोटा सा वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ एरियाज बना रखे हैं लाइक जैसे मैगी पॉइंट वॉइंट है यहाँ पर, और नीचे नदी भी बह रही है। तो देखने में सुंदर सा तो है, लेकिन शायद अगर यही टाइगर फॉल्स है तो ये बहुत छोटा है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा है कि एंट्री टिकट और जो पार्किंग है ना वो सिर्फ 4 घंटे के लिए वैलिड है। अभी वहां से हम आए थे, हमें ये दिखाई दिया था तो लगा था, लेकिन मेन टाइगर वाटरफॉल वो है। और टाइगर फॉल जो है बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत जबरदस्त तेजी से पानी गिर रहा है और नीचे खूबसूरत सी नदी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टाइगर फॉल्स के पास। कितना अमेजिंग लग रहा है भाई, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। फटाफट से भाग के चलते हैं, थोड़ा सा स्लिपरी भी है लेकिन ये काफी अमेजिंग है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठंडी ठंडी जो पानी की बौछार है ना ड्रिजलिंग टाइप की, वो हो रही है और वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस दे रही है भाई। देखो कितना ब्यूटीफुल है। और समर के टाइम हो तो यहाँ पर आराम से डुबकी लगा सकते हो, बहुत मजेदार है। फॉल के पास बैठ के आराम से मैगी का मजा ले सकते हो, हम भी वही ले रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आने वाला है इसको खा के। तो अभी भाई चक्राता के अंदर ना हम लोग ज्यादा पॉइंट एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ एक वाटरफॉल एक्सप्लोर किया हमने और एक कोई चिरमेरी नेक करके व्यू पॉइंट है। तो व्यू पॉइंट मैं इसलिए नहीं गया हूं, बेसिकली आपको बताऊं, क्योंकि हर जगह से अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है यार, हर जगह से। और इतना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां से भी यही व्यू दिखने वाला है। कहते हैं कि बहुत सारे हिमालयन रेंजेस वगैरह भी दिखते हैं, काफी सारा कुछ है चक्राता में एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हमारे पास टाइम कम था, हम बहुत ज्यादा लेट उठे थे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मसूरी के लिए। और मसूरी मतलब चक्राता से मसूरी जाने का जो रास्ता है वो भी कमाल का है, मतलब इतने व्यूज, इतने ऑसम व्यूज आपको दिखाई देंगे, कमाल का सनसेट दिखेगा कि मजा आ जाएगा। तो भाई इसीलिए किसी और व्यू पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, अब चलते हैं सीधा मसूरी और आपको दिखाते हैं मसूरी तक का रास्ता कितना अमेजिंग है, और फिर मसूरी जाके कौन सा होटल लेते हैं, कैसे लेते हैं, सब दिखाएंगे।
रास्ता जो है ये वाला मसूरी जाने का चक्राता से, ये काफी ज्यादा नैरो है, मतलब अच्छा बनाया हुआ है रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये देख लो कि अभी शाम का टाइम हो गया है, सनसेट हो चुका है और डस्की हो गया बिल्कुल, और अंधेरा बस होने ही वाला है थोड़ी देर में, लगभग मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा। और ये रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है तब से, खाली बिल्कुल, और इस पे कुछ गाड़ियां आ रही है, कमर्शियल व्हीकल्स दिखे हैं मुझे, टूरिस्ट गाड़ियां बिल्कुल नहीं दिखी है। और ये खाली इतना है, सुनसान इतना है, लेकिन इस पे व्यूज बहुत अमेजिंग है। फिर भी थोड़ा सा है डर कि यार अगर इसमें मतलब बिल्कुल अंधेरे में अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। इतना ब्यूटीफुल रास्ता देखो सामने ना, बिल्कुल इस जगह पे एग्जैक्ट स्नो पीक्स दिखाई दे रही है, और ये कुछ ना होटल बना हुआ है कोई, जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है, मतलब हल्की हल्की लाइट जल रही है, जैसे ही डार्क हो जाएगा ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और ये देखो यार कमाल का व्यू, मतलब ऐसा लग रहा है आसमान में गाड़ी चला रहे हैं। Here we are, जहां पर की कैंपटी फॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये पूरी मार्केट जो है वो कैंपटी फॉल वालों की है, और ये पूरी मार्केट में आप जैसे कि डे टाइम में आओगे ना तो जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती हैं, जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां पार्क करवाते हैं, और काफी सारे इनकी पेड पार्किंग भी है जिसके 200 रुपए लेते हैं ये पार्किंग के। और अभी इसी रास्ते को फॉलो करते हुए मसूरी की तरफ निकल रहे हैं। तो मेनली आपको बताऊं कि चक्राता वाला जो रोड है वो आपको लेके आएगा कैंपटी फॉल के पास से, और फिर लेकर जाएगा मसूरी। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं मसूरी, और हमने रूम ले लिया है, बड़ा ही मतलब अच्छा अच्छा सा रूम है, वुडन का, इसमें भी पूरा प्रॉपर काम हो रखा है। यहाँ पर संदीप भाई साहब स्टाइल मार रहे हैं पूरी तरीके से, और यहाँ बड़ा सा मिरर लगा हुआ है हमें खुद को निहारने के लिए, सुबह सुबह तैयार यार होकर देखेंगे अभी तो रात। देखो डोले दिखा रहा है, यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज तो सारी है, साथ में जो वुडन का काम है ना भाई ये परफेक्ट है। और ये रूम हमें पड़ा कितने का भाई साहब, एक बार बता दो दर्शकों को, 1500 रुपए में। ये मतलब रूम में स्पेस जो है काफी जबरदस्त है, यहाँ देखो टेबल्स वगैरह लगी हुई है, इधर बड़ा मतलब क्वीन साइज बेड तो है, और इंटीरियर बहुत अच्छा सा है, आलीशान सा लग रहा है, बहुत बड़ा वॉशरूम है इसके पास। और ये है अपनी बैल्कनी, इस बैल्कनी को ऐसे खोल लो, यहाँ से दूसरा दरवाजा भी खोल लो, और सामने की तरफ ना पानी की आवाज आती है। अब पानी की आवाज जो आ रही है वो आप लोगों को सुबह पता चलेगा कि पानी की आवाज आ कहाँ से रही है। और ये जो रूम है ना ये मतलब काफी अमेजिंग है, और इसकी लोकेशन भी बहुत जबरदस्त है। तो कल वाला जो व्लॉग आएगा उसे देखना मत भूलना, उसमें इस रूम का लोकेशन भी रिवील होगा, और ये भी पता लगेगा कि पास में है क्या चीज। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो अपनी है वो मसूरी के ऊपर आने वाली, क्योंकि हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।